कितना रात कितना है? 2000 याद। तो भैया देख रहे हो इस तरह का काम में 2000 सैलरी है ना, बहुत ज्यादा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अफजल भाई ये पानी का जो टंकर चलाते हैं, आप मतलब एक आप सोचो कि कितना महीना का कमा लेते होंगे, लेकिन मेहनत करोगे तो पैसा भाई यहाँ पे है। और आदमी बगैर मेहनत करेगा आके नाटक करेगा, 24 घंटे में 18 घंटा में बिजी रहता हूँ और बाकी बचा 6 घंटे। 6 घंटे में मैं नहाना धोना खाना बनाना सोना सब कुछ कर। अफजल भाई कितना कमा लेते हैं इंडिया का, थोड़ा इन लोगों को बता दो। अल्लाह का शुक्र है यार, अगर अल्लाह साथ दे दे, अगर मेहनत करते रहे बराबर चलती रहे गाड़ी ना, बस ये कस्टमर के ऊपर है। रोजी जब आ जाए, किसी किसी दिन बहुत ज्यादा काम रहता है, किसी किसी दिन थोड़ा काम रहता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है महीने का 6000-7000 रियाल बच जाता है सबको देने के बाद। 1 लाख के ऊपर चले जाता है, एक प्लस। आप लोग सोच सकते हो 1 लाख महीने का अफजल भाई कमाते हैं ये पानी का टंकर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। गाइस उम्मीद करता हूँ तो खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको तायब दिखाने वाला हूँ। थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सिटी भी दिखाएंगे और थोड़ा गाँव साइड में चलेंगे तायब के, और यहाँ इस तरह का क्या काम होता है, मजरा का क्या काम होता है। और अगर आप लोग यही चाहते हो कि अगर मजरा में आना चाह रहे हो, इस तरह के काम में आना चाह रहे हो, तो आप लोग को पता भी चल जाएगा किस तरीके से काम होता है। तब लोग वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अभी और पूरा बात करते हैं। कितना साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन हो गया 4 साल में, 2019 में आया था। अच्छा अच्छा, नवंबर में। अभी 2024 चल रहा है, 4 साल लगभग हो गया, 5वां साल चल रहा है। तो मजा आ रहा है यहाँ? बहुत मजा है, मजा ही मजा है। पैसा आना चाहिए बस। हाँ, बाहर आदमी आता है पैसा कमाने के लिए। देखो परदेश आने का मकसद है पैसा कमाना। मेहनत करोगे तो भाई, घूमने आए हैं ना, एंजॉय करने आए। देखो स्लीपर में घूम रहे हैं पहाड़ों के बीच में, पैसा आ रहा है। सही बात, टेंशन नहीं है। अब यही जाके वहाँ इंडिया में बनाएंगे। सही कह रहे हैं। अब यहाँ आके भाई अगर आदमी ये सोचेगा हम काम ना करें, मेहनत ना करें, डीसी मार के खाली घूमे, हाँ तो कोई मतलब नहीं। ये पैसा नहीं मांगता है सऊदी, मेहनत मांगता है। ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये 1982 मॉडल गाड़ी है, इसको सब कोई चला भी नहीं पाएगा। सोच लो ये मेरी उम्र से भी ज्यादा इसकी उम्र है गाड़ी। गाड़ी का नाम 82 मॉडल बोले तो 42 साल हो गया। मर्सिडीज है ये, मर्सिडीज बेंज है, अरबो अश्रीन इसको बोलते हैं। मर्सिडीज बेंज अरबो अश्रीन मॉडल है ये। इंडिया में मर्सिडीज की गाड़ियां बहुत देखने को मिलती ही नहीं, छोटे छोटे सिटियों में। अरे अफजल भाई देखो पहाड़ों में लेके घूम रहे हैं मर्सिडीज, कोई वैल्यू ही नहीं है।
कहीं भी इसको कुदा दो तुरंत चली जाती चढ़ते हुए, कहीं भी ये पहाड़ देख रहे हो इस पे भी चढ़ सकती है, बस रोड बराबर होना चाहिए। ये इधर एक पूछ रहा है भाई, बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया में आके समुद्र में आके ऐसे पैसा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। ये जो पसीना है ना, ये देखो अभी यहाँ ठंडी का महीना है, लायक में ठंडी होती है, ठंडी का महीना है, फिर भी माथे से पसीना नीचे चला जाता है मेरा। ये गाड़ी चलाने में, पाइप लगाने में, निकालने में, पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, ऊंट का दूध भी पीते रहते हैं। अभी शाम को आपको पिलाऊंगा ऊंट। इधर ऊंट भी है, इधर ये ऊंट उधर मार्केट लगता है शाम को असर के बाद में। अच्छा अच्छा, दूध निकाल के बेचते हैं पांच। आए थे इधर और ये सिटी ताइफ है, ताइफ का ये पहाड़ी एरिया है। तो सोचे आए हैं तो यहाँ का भी वीडियो दिखा दे आप लोग को। यहाँ मजरा वजरा का जो काम है ऐसे सब होता है, सऊदी लोग का फार्म हाउस सब ऐसे बना है और इसी में अभी काम हम करते हैं, देखभाल करते हैं। इधर बंदा पानी डाल रहा है गाड़ी में, देख लो भाई। ये सऊदी का गांव है, ठीक है, ये सऊदी विलेज है। सोचे अब आए हैं तो आप लोग को यहाँ का गांव भी दिखा दें कि अरबी गांव कैसा होता है। देखो यहाँ पे आपको मुर्गा मिल जाएगा, मुर्गी मिल जाएगी। ये देख रहे हो, ये सऊदी गांव है। ये देखो मुर्गी पाले हैं, ये अरबियों का डोंगरी है, कबूतर है, मुर्गी है, पूरा कबूतर का घर है। देखते हैं अंदर, दिख रहे हो, इसे कोई दिखाएगा नहीं भैया ना। देख रहे हो, ये सऊदी अरब अरबी गांव है। इसको आप मजरा भी कह सकते हैं, इसमें आदमी आते हैं काम करते हैं। तो बने रहिए अभी और आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। इतना सारा मुर्गी है देखो, ये बकरी का है, ये ऊंट है, बकरा है, ये देखो ऐसे आदमी आता है मजरा में, ये सब काम करता है। इधर बकरियां है, मजरा वजरा का काम में जो लोग आने के लोग कहते हैं, देख लो ऐसे सब काम है ना। अगर मजरा वजरा में आने के लिए सोच रहे हो तो समझो इसी टाइप का सऊदी का मजरा होता है ये। और बने रहिए अभी और उधर, बहुत बड़ा सब गांव है कम से कम इसमें, ये ताइफ में ये जो गांव वाला इलाका है ये कम से कम 400-500 एकड़ में बना हुआ है। तो चलते हैं अभी आगे और दिखाते हैं आप लोग को। ये देख लो भैया, यहाँ पे बंदर भी है, पता नहीं कहाँ साले आए गए हैं। बंदर भी है भाई, बहुत सो कुछ मिलता है यहाँ। ये पहाड़ी बंदर है, गिर्द कहाँ से, गिर्द लड़गैया, वो लड़गैया शिफ्ट। तो देख लो भाई, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये इस तरह है, ये सऊदियों का इस तरह है, ये अरबियों का इस तरह है भाई, देख सकते हैं। और ये ताइफ सिटी है, ताइफ जो है पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ है। और
यहाँ से रियाद जा सकते हैं, जिद्दा जा सकते हैं, और तायब से मक्का 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो मक्का निकलेंगे इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से, हो सकता है आज रात में, नहीं तो कल निकलेंगे। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, और अभी आप लोग को ऐसी वीडियो देखने को मिलेगा, और जो भी जॉब अभी अवेलेबल है, जो जॉब आने वाला है तायब में, अभी क्या क्या जॉब है वो हम डालेंगे आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो हम लोग वीडियो में बने रहे हैं, अभी और आगे चलते हैं, थोड़ा और आपको दिखा दें यहाँ का इस तरह सिस्टम, फिर जॉब के बारे में अपडेट करते हैं कि अगर तायब में आना चाह रहे हो तो तायब में क्या क्या जॉब है। और तायब सिटी का वीडियो मैंने डाला हुआ ऑलरेडी, तो वीडियो वाले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जैसे जिद्दा से जब तायब के लिए आया हूँ तो रास्ते में पूरा वीडियो दिखाया हूँ कि हमारे अफजल भाई हैं लखनऊ से, ये पानी का टंकर चलाते हैं, ये इनकी गाड़ी है, यहाँ इस तरह में जो पानी होने का काम लगता है वो लाके यहाँ डालते हैं। आर्डर आता है इनको, फोन आएगा फिर लेके आएंगे डालेंगे। ये छोटा छोटा सा टाकी लगा हुआ है, ये भी पानी का टंकी है, देख सकते हैं ये भी पानी का टंकी है भैया, यहाँ जो बकरी वकरी है सब पीती हैं ये, तो ऐसे सब काम रहता है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद, तो आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? पाकिस्तान। जी खान। जी खान जी। पाकिस्तान में किधर? जी खान डेरा गाजी खान। अच्छा, ये पंजाब में आता है? है पंजाब। पंजाब में आता है, तो ये यहाँ पे मजरा का काम करते हैं? मजरा में ये किस तरह है? फार्म हाउस टाइप का। कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन तमानिया साल। आठ साल। हाँ माशाल्लाह। कितना रात है? कितना है? 2000 याद। तो भैया देख रहे हो इस तरह का काम में 2000 सैलरी है, लेकिन आने से पहले सोच लो, ये सब देख लो, ऐसे आना पड़ता है इस तरह का काम में। और ये हमारे अफजल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल भाई ये कहाँ से हैं अफजल भाई? इंडिया। इंडिया में कौन सी जगह? लखनऊ। लखनऊ से है भैया, लखनऊ वाले देख रहे हो लाइक फॉलो कर लीजिए। ये अफजल भाई हैं लखनऊ से, और ये शौकत भाई हैं, फतेह मोहम्मद भाई हैं पाकिस्तान से। जी खान। ये है इस तरह में पाजी काम करते हैं। गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अफजल भाई ये पानी का जो टंकर चलाते हैं, आप मतलब एक आप सोचो कि कितना महीना का कमा लेते होंगे, लेकिन मेहनत करोगे तो पैसा भाई यहाँ पे है। और आदमी बगैर मेहनत करेगा आके नाटक करेगा, 24 घंटे में 18 घंटा में बिजी रहता हूँ, और बाकी बचा 6 घंटे। 6 घंटे में मैं नहाना धोना खाना बनाना सोना सब कुछ करना है 6 घंटे में। सोच लो 24 घंटे में 18 घंटा बिजी रहता हूँ, घर पे एक एक हफ्ता हो जाता है, फोन नहीं कर पाता हूँ। तो अफजल भाई कितना कमा लेते हैं इंडिया का, थोड़ा इन लोगों को बता दो। अल्लाह का शुक्र है यार, अगर अल्लाह साथ दे दे, अगर मेहनत करते रहे, बराबर चलती रहे गाड़ी ना, बस ये कस्टमर के ऊपर है, रोजी जब आ जाए, किसी किसी दिन बहुत ज्यादा काम रहता है, किसी किसी दिन थोड़ा काम रहता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है महीने का 6000-7000 रियाल बच जाता है सबको देने के बाद, 1 लाख के ऊपर चले जाता है। एक प्लस। आप लोग सोच सकते हो 1 लाख महीने का अफजल भाई कमाते हैं ये पानी का टंकर चला के, खा पी के खर्चा करके बच जाता है, घर पे 1 लाख रुपए भेज देता है, 1 से 1.5 लाख तक। अब आदमी आए सोचे, क्योंकि पानी का टंकर में अच्छा भी है, पानी का टंकर अगर मिल जाता है और मेहनत कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी है तो फायदा है, तो फायदा सैलरी पे अगर चलाओगे तो सैलरी वही तकरीबन 50,000-40,000 रहेगा, 2000 रियाल तक मिनिमम सैलरी रहता है, 300 रियाल खाने का देता है, वही 2300 हो जाता है, तो वही मतलब 40,000-40,000 बच जाता है सैलरी पे। लेकिन यहाँ परदेश में आए तो यहाँ नौकरी के बल पे बैठे रहेंगे तो क्या होगा, जिंदगी थोड़ी ना खत्म करनी है, एक आध सफर और लगेगा, खलास। सही। एक सफर आए थे, 6 महीने छुट्टी गए थे, अब फिर आए हैं, 6 महीना हो गया, अब 2 साल तक रहेंगे और सारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर अपनी फैमिली के साथ मस्ती में रहेंगे। सही। हम अगर नौकरी करते तो जो हमने 3 साल में किया है वो हमको 10 साल लग जाता करने में। सही बात। अगर 3 साल में जो चीज हमने किया है, जितना आपको तो मालूम है ना, अभी छुट्टी गया था, बहुत काम करके आया हूँ, अगर यही चीज में नौकरी करता तो ये चीज में 10 साल में कर पाता जो मैं 3 साल में किया हूँ। सही।
अल्हम्दुलिल्लाह देखो अभी जाएंगे फिर इंशाल्लाह 2025 में इरादा है जाने का, फिर हो सकता है ये लास्ट ही सफर रहे, अपना शादी वादी कर रहा है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर वही फैमिली के साथ में रहेंगे जिंदगी भर, थोड़ी ना परदेश यार, परदेश हर चीज का टाइम होता है, तो अब यही चीज अगर हम नौकरी करते तो हमको पूरी जिंदगी बिताना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए, मेहनत किए, रिस्क लिए, तो अल्लाह का शुक्र है जो चीज 10 साल में करना था वो चीज 3 साल में हो गया। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क तो आदमी में नहीं लेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस यही ऐसी चल रही है जिंदगी यार। तो भैया ये है कायम, और सऊदी आने के लिए अगर सोच रहे हो तो मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत से कुछ भी नहीं होगा, और स्टार्टिंग में महीना दो महीना आदमी को तकलीफ भी उठाना पड़ता है। अरे मैं 6 महीना बहुत परेशान था यार, जब नया नया आया 6 महीना बहुत परेशान था। अब वही आदमी स्टार्टिंग का मेहनत जो है ना, जो भी तकलीफ होता है थोड़ा झेल लेता है, वही आदमी आगे सक्सेस होता है। तो हमारा 6 महीना समझ लो, मैं गाड़ी वाड़ी जब कॉन्ट्रैक्ट में लिया हूँ तो 6 महीना तक समझ लो कि बहुत पापड़ जेब से खाया हूँ, समझ लो नया नया आया था, काम ही नहीं था। 6 महीना जब फील्ड में काम किया, गाड़ी चलाया, धीरे धीरे करके पहचान बना, कस्टमर बने, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे काम होता है, फोन आता है, पे लेटे रहो फोन पे ऑर्डर आ जाता है, यहीं पे दूध मिलता है, ऊँट का शाम को बिकेगा इधर, अभी ऊँट लाके इधर छोड़ेंगे। अच्छा, इतना बड़ा कटोरा रहता है, छोटा कटोरा रहता है, बड़ा कटोरा रहता है, ये सब उम्रा वाले आ रहे हैं जियारत के लिए, ये जो बसें जा रही है, ये सब बस जो जा रही है, ये सब बस, ये उम्रा मक्का आए हैं, अब ये जियारत के लिए इधर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है यहाँ, और मस्जिद अब्बास है वहाँ जाते हैं, एक जगह मतना है वहाँ जाते हैं, तो मतना में जहाँ हुजूर को पत्थर मारे थे यहाँ के लोग, तो जब उनका खून से लहूलुहान हो गए थे वो, तब क्या नाम है, वो जाके जहाँ पे बैठे थे वो जगह है मतना। अच्छा अच्छा। तो जहाँ वहाँ पे जब बैठे थे तो यहाँ के लोगों ने जब पत्थर ऊपर से पहाड़ से पत्थर ढकेलने की कोशिश की, वसल्लम ने ऐसे उंगली दिखा दिया था, वो पत्थर रुक गया था, वो अभी भी रुका हुआ है पत्थर वैसे ही। अच्छा, तो भाई उनके चाहने वालों ने वहाँ पे मस्जिद बना दी, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मस्जिद बनाई थी वहाँ पे, उसका फोटो है मेरे मोबाइल में, दिखाऊंगा, वो आमने सामने वो मस्जिद उसी जमाने की आज भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ लोग आते हैं, दो रकात नफिल पढ़ते हैं और ज़ियारत करते हैं, दो तीन जगह है यहाँ ज़ियारत वाली। अच्छा अच्छा। अभी सीट बेल्ट लगा ले, नहीं तो भैया 150 रियाल का फाइन है, और कैमरे वाला देखता नहीं है कि अफजल भाई जा रहे हैं कि फैजान भाई जा रहे हैं, वो फोकस बहुत जल्दी करता है, तुरंत फोकस करता है। माशाल्लाह यहाँ की ईदगाह है, ये यहाँ का ईदगाह है, ईद की नमाज और मगरिब की नमाज यहीं पे होती है। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम ये है कि औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, तो ये जो घेरा हुआ है ना, ये जो जगह, ये औरतें इसमें पढ़ती हैं। अच्छा, ये जगह जो घिरा हुआ है वाला, और उधर पे आदमी लोग रहते हैं, मेरे दोनों नमाज पढ़ते हैं। तो ये भैया यहाँ का ईदगाह साहब का, ईद बकरीद का नमाज ही होता है जो आप देख सकते हैं, वैसा साहब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मस्जिद में भी होता है नमाज, हम लोग मस्जिद में ही पढ़ते हैं। धीरे धीरे थोड़ा डेवलप कर रहा था, इसको बड़ा कर रहा है, पहाड़ काट करके बना रहा है, अभी सब बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, अभी पहाड़ वहाड़ तोड़ के सब बड़ी बड़ी सिटी, जैसे मुंबई मुंबई में बनता है ना पलावा सिटी, उन्हें बनाया है डोंबिवली में पूरा पहाड़ काट के, वैसे इधर भी अभी सब बना रहा है, सब नया नया डेवलप कर रहा है। तो टाइम अच्छा है आज भी, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है यार, यहाँ गर्मी नहीं होती है, यहाँ साल के 12 महीने का मौसम जैसे यूपी में लखनऊ का मौसम है, बस वैसे ही मौसम यहाँ का है। अभी देखो वहाँ भी थोड़ी थोड़ी गर्मी चालू हो गई जब मार्च लगा, यहाँ भी अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी चालू हो गया। अभी ये गाड़ी वाले हैं, अभी हमारा मौसम नहीं बनने दे रहे हैं, बताओ इनको हम क्या करें, ओवरटेक कर नहीं सकते, 1000 रियाल का फाइन है। अच्छा, ओवरटेक का, अगर बड़ी गाड़ी ओवरटेक कर रही है तो अगर पीछे से पुलिस वाला आ गया तो 1000 रियाल का फाइन मारेगा। अब ये जितना सिलो चलेंगे हमको इनके ही पीछे चलना है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी नहीं कर जाते हैं। अच्छा, देख दाख के अब इनके पीछे पीछे हम कहाँ तक चलेंगे भाई, अब आगे ट्रेले वाला है, तो देख के चलना, अभी देखेंगे थोड़ा सा, गाड़ी नहीं रहेगी सड़क से निकाल देंगे इंशाल्लाह। तो यही है, ये ताइफ सिटी है, ये मखत्तत बिया है, ये जगह का नाम है मखत्तत बिया, ये अभी नया बना है, पूरी नई आबादी है, ये भी नया सब बना है, मखत्तत बिया, मखत्तत बिया, मखत्तत बिया, ये यहाँ से आप बोट दे सकते हैं मक्का, ये मक्का जा सकते हैं।
बाईपास जैसे अपने वहाँ बोलते हैं, ये बाईपास है। अच्छा, सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इधर से कोई आ रहा है, इधर ही से चला जाए। अब ये ट्रेले वाला जा रहा है, अब ये मेरे ख्याल से ट्रेला नहीं है, तो भैया देखे होंगे वीडियो कैसा लगा, और कुछ पूछना है और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ से मक्का निकलने वाले हैं, तो मक्का जाएंगे तो भी आपको वीडियो मिलेगा, और मक्का में क्या क्या जॉब अवेलेबल है वो भी अपडेट करेंगे, वैकेंसी भी डालते हैं। तो अगर आप लोग आना चाह रहे हो कोई भी जॉब में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और जो भी जॉब आता है मैं चैनल पर अपडेट करता हूँ, और अगर उसमें जाना रहे तो उसी में नंबर में दे देता हूँ, उसी नंबर पे आप लोग बात करिए, डॉक्यूमेंट भेजिए, और उस हिसाब से आप लोग का जो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी का अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।